तो भाई ये लो फिर से यार, जो है वो एनिमल की जो खाल है वो हमारे पास पांच चाहिए थी, छह पड़ी हैं। उसके अलावा जो ये रह गए पांच चाहिए वो हमारे पास चार पड़े, तो अभी मुझे एक और चाहिए। एक के लिए यो व्हाट्सअप गाइस, वी आर बैक विद अनदर गेम प्ले ऑफ लाइफ आफ्टर द सर्वाइवल गेम। तो यार हम अपने घर से मतलब इस फॉल फॉरेस्ट में आए हैं हेलीकॉप्टर से, और हमें कुछ यहाँ पर टास्क दिए गए हैं तो उन्हें हमें कंप्लीट करना है। देखते हैं कौन से टास्क हैं। तो भाई लिखा है वुड इकट्ठी करो, स्टोन भी जो कि हमें यहाँ से फॉरेस्ट से मिल जाएंगी, उसके अलावा क्या है और। तो भाई फ़िलहाल तो हमें यही इकट्ठे करने हैं तो करते हैं। तो भाई हमें बस ट्री चाहिए, ट्री भी मिल जाए बाकी ट्री, और हमें वो स्टोन चाहिए, उनके बाद कुछ हैम्प भी चाहिए, और उसके अलावा और कुछ भी जो चीज़ें मतलब सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड हों वो हमें चीज़ें चाहिए। तो भाई जल्दी जल्दी से हम ट्री भी काटते हैं, उसके बाद हम अगला जो काम है वो करेंगे। चलो भाई अभी हमारी जो एक्स है वो बिल्कुल टूट चुकी है, तो अभी ये हाथ से लकड़ियाँ काट रहा है, तो जो मुझे थोड़ी वुड जमा करनी होगी ताकि मैं जो एक्स है वो बना सकूँ। तो भाई फ़िलहाल तो ट्री कुछ काटते हैं। चलो भाई ये भी कट गया, दूसरा भी कट गया, अभी काटते हैं और भी। तो यार हमें मतलब ज़्यादा लकड़ियाँ चाहिए ताकि हम और भी मतलब इसकी जो टास्क की रिक्वायरमेंट है कि इतने 700 वुड चाहिए, तो मैं तो वो भी हम कंप्लीट कर लें, उसके अलावा थोड़ी और वुड भी हमारे पास हो जाए ताकि हम जो है वो अपनी एक्स तैयार कर सकें। तो भाई इसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि 700 वुड जमा करो वो हमने कर दी, और अभी हम स्टोन की तलाश में निकले हैं, तो स्टोन भी चाहिए, तो अभी हम स्टोन ढूंढेंगे, और अपनी एक्स भी हमें बनानी है वो अभी बनाएंगे जल्दी। तो ये एक राय से तोड़ता हूँ, तो मुझे तकरीबन 7 स्टोन मतलब सॉरी 60 स्टोन चाहिए। तो भाई इसमें से अभी मुझे 35 मिले, तो और भी देखते हैं वैसे तो कहाँ, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये क्या बढ़िया बेरीज, तो इनको भी उठा लेता हूँ, ये मेरे खाने के काम आएंगे, जब मेरी एचपी लो हो जाएगी तब ये काम आएंगी। वैसे भाई स्टोन, हाँ ये सामने ही शायद ऊपर है, ऊपर चल के देखता हूँ, वैसे मतलब नीचे तो नहीं है, ये कहाँ पे भाई, तो यहाँ पे भी नहीं है। हाँ भाई ये रहा वो स्टोन, इसे भी तोड़ते हैं फटाफट, हमें स्टोन भी जमा करना है, उसके बाद ये अपना अगला मतलब टास्क बताएगा कि ये तुमने कर लिया। उसके अलावा ये बता दिया है कि तुम जो है हैम्प जमा करो, और उसके अलावा बेरीज भी जमा करनी है, तो 8 हैम्प मेरे पास पड़ी हैं, बेरीज मैंने 6 जमा कर ली हैं, 2 इधर से, 2 मैंने पहले से जमा करके मतलब रख दी थी, मैं अपने मतलब ईट करूँगा। चलो भाई अभी मुझे चाहिए हैम्प, तो हमारे पास 8 हैम्प पड़ी हैं, तो ये मिल गई हमें, और बेरीज, जितनी ज़्यादा बेरीज होंगी उतने लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, उसके अलावा हमें मिल जाएगी। चलो भाई ये एक स्टोन ऐसे भी काटता हूँ मैं, क्योंकि स्टोन भी काम आएगा मेरे। अभी यार हमें जो चाहिए बेरीज तो मेरे पास हैं, वैसे मुझे हैम्प चाहिए, देखते हैं। तो भाई ये गेम थोड़ी सी लैग हो रही है पता नहीं क्यों, तो इस स्टोन को भी तोड़ता हूँ क्योंकि अपने पास भी स्टोन होना चाहिए। भाई इसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, अब हमारे पास भी कुछ होना चाहिए ना। चलो भाई अभी देखते हैं, बस मुझे हैम्प पता नहीं कहाँ से मिलेगी, तो ये एक और बेरीज मिल गई, इनको भी उठा लिया हमने, और उसके अलावा कहाँ पर है, तो यार मैप में ये जो है ना वो सारे मतलब दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हें ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, तो ये जो हाथ वाला निशान है इसका मतलब शायद हैम्प हो, तो देखते हैं वैसे चल के शायद हैम्प ही हो, नहीं तो भाई बेरीज हैं इधर, इनको भी हमने उठा लिया, और अभी इस हाथ वाले निशान पे चल के देखते हैं, शायद इस ये जो निशान हो मतलब हैम्प के, हैम्प दिखाना चाहता हूँ, तो ये क्या बड़ा है वाइन, ये क्या है भाई, तो ये अंदर गुफा टाइप से खुल गई,
देखता हूँ अंदर वैसे क्या पड़ा है। तो कुछ ये क्या है, कंटेनर टाइप है, तो इसके अंदर देखते हैं, छोटा ओपनिंग हो रही। तो भाई इसके अंदर हमें मिल गई 5 हैम्प। चलो सही है, अभी मुझे 3 और हैम्प चाहिए, फिर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसके अंदर भी देखते हैं इसके अंदर क्या पड़ा है, बीट अप स्टोर। तो वह इसके अंदर भी 5 हैम्प और हमें मिल गए, और एक प्लांट रूट भी मिल गई। चलो भाई अभी क्या मतलब, अभी हैम्प और भी चाहिए। ये क्या भाई, मैंने हैम्प तो पूरी कर दिए। लो भाई अभी इन्फेक्टेड भी अभी आ रहे हैं। अब हम कहाँ पे जाएं, बस एक मिनट पड़ा है इनके आने में। तो जल्दी जल्दी से मैं हैम्प जो है वो ढूंढ लेता हूँ। इस हाथ वाले आइकन पे चल कर देखता हूँ, तो यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सामने मुझे हैम्प, हाँ भाई ये हैम्प ही हैं। तो ये मतलब हाथ वाला जो निशान है ये दिखा रहा है कि हैम्प है। चलो भाई अभी इसकी जो भी हमने टास्क उसने दिया था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अभी हमें डिलीवरी मैन के पास जाना है, और पहले मैं मार्क कर लूँ सामने वाला, तो यही है मेरे ख्याल से सामने वाला सबसे। तो मैं इसे कर दिया मार्क, इसको डिलीवरी मैन को शायद हमें ये मतलब जो भी हमने अभी जमा किया है वो उसको देकर आना है, ताकि वो हमारे घर जो है डिलीवर कर दे। ये ज़ॉम्बी इसको चकमा दे के हम भाग जाएंगे, क्योंकि हम अब इसे लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यार हमारे पास एमो जो है वो कम है। 4 बो तकरीबन हमारे पास पड़ी हैं। तो आगे जाकर हमें गन वन भी बनानी है, क्योंकि एक मतलब गोली से ये फिर मर जाएंगे, क्योंकि वो जो गन है अच्छी होगी बहुत। तो अभी भाई हम पहुंच चुके हैं, तो ये सामने ये ज़ॉम्बी इसको एक और बहुत मारी, तो ये नहीं है। तो भाई इसने हमारी हेल्थ जो है वो बिल्कुल डाउन कर दिया। अभी हम चलते हैं ऊपर। चलो छोड़ो भाई इसको, अगर हम एक और इसको मारेंगे तो ये बिल्कुल खूंखार हो जाएगा। चलो छोड़ो भाई इसको, अभी हम लगा लेते हैं अपना एमरजेंसी ट्रीटमेंट, और इसको हम दे देते हैं जो भी हमने इकट्ठा किया है। प्लांट रूट है, वुड है, स्टोन है, और ये हैम्प है, बेरीज हैं। अबे भाई ये क्या यार, मेरी एचपी इतनी डाउन हो गई कि मैं बिल्कुल गिर गया। तो भाई ये हमें बचा रहे हैं, शुक्रिया भाई। तो भाई भाई ने हमें बचा लिया, शुक्रिया, थैंक यू भाई। चलो भाई अभी हम दे देते हैं इसको जो भी हमने चीज़ें, तो ये प्लांट रूट भी, और उसके अलावा हैम्प भी दे देते हैं। नहीं भाई, तो स्टोरेज में मेरे पास ये क्या इन्फेक्टेड ब्लड है, तो इसको ये भी हम दे देते हैं। और भाई ये बोन पड़ी है, इसको ये बोन भी हम दे देते हैं, और ये ट्विच, तो इसको ये भी हम दे देते हैं। और ये क्या थी, मेगा बीस्ट स्पेशल, तो भाई ये जो है रिप मीट भी हम इसको दे देते हैं। हाँ भाई चलो भाई सही है, अभी हम जाके अभी क्या मुझे करना है, अभी इससे फिर से बात करनी है क्या। तो भाई ये भी हमने इसको दे दिया, और ये है वुड जो है हम इसको दे देते हैं फिलहाल। कुछ 10 तकरीबन बने हमने इसको वुड दे दिए हैं, और इसके अलावा स्टोन भी कुछ देखते हैं शायद हम जा सकें फिर। तो भाई 8 हैम्प सही है, 8 हैम्प हमने इसको दे दिए, अभी हमारे पास 14 हैम्प पड़े हैं। इससे भी काम नहीं हो रहा, और भी इसको देख के, तो भाई ये वुड और ले ले। तो हमारे पास स्टोरेज में मतलब ज़्यादा वुड पड़ी है। तो ये कह रहा है कि हेलीकॉप्टर इतना बर्डन नहीं उठा सकता, तो तुम मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारे घर ये वुड पहुंचा सकूं। चलो भाई हम इसको दे देते हैं वुड जो भी हमारे पास पड़ी है। चलो भाई अभी हमने इसे दे दिए वुड जो भी हमारे पास पड़ी थी, और ये भी रिसोर्सेज में हमारे पास पड़ी हैं, तो ये भी इनको दे देते हैं। फिर ये हम अपने घर से जाकर मतलब पिकअप कर लें, वहाँ पे मेल बॉक्स है, वहाँ पे ये आ जाएंगे सारी चीज़ें, तो हम वहाँ से अब पिकअप कर लेंगे। चलो भाई अभी मैं बैठ जाता हूँ। तो नहीं भाई और कुछ पड़ा है मेरे पास, तो बिल्कुल ये मतलब मुझे खाली करके भेजना चाहता है। चलो भाई ये भी ले लो, अभी जाने दो बस मुझे, सेंड ऑल मेल टू कैंप। चलो भाई अभी बस मुझे जाने दो, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा वैसे, तो अभी जाने दे रहे हैं। वैसे सारा जो बैग है वो बिल्कुल हमारा खाली हो चुका है, तकरीबन जो हमारे पास कुछ बो पड़ी है, एक एक्स है, और उसके अलावा नाइफ है, तो ये चीज़ें हमारे पास, बाकी तो कुछ भी नहीं है वैसे।
तो भाई एक और लगता है हमें वापस घर जाना है। उसके बाद हम अपनी मेल चेक करेंगे, तो मेल में जो भी हमने चीज़ें उस डिलीवरी मैन को दी थी तो वो मेल में आ चुकी होंगी, देखते हैं। वैसे चलो भाई, ये रहा हमारा मेल बॉक्स प्राइवेट। जो भाई ये आ गई हैं स्टोन वर्ड, तो ये मीट वगैरह, उसके अलावा हैम्प और कुछ जो है और चीज़ें, हाइड वाइट प्लांट रूट्स, ट्विच, इन्फेक्टेड ब्लड, बोन हाइड 2, बोन 3, तो भैया आ चुकी हैं। तो उसको मैं यार साइड करूँगा, कुकिंग वाली मशीन को। तो ये हम वेपन बना के देखते हैं। वैसे क्रियूड एमो बॉक्स तो ये हमें चाहिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए भाई ये भी हमें गन बनानी पड़ेगी यार। HT तो हमारे पास पहले से ही पड़ा है। तो लिखा है ना कुक वन डिश डिश, तो भाई मुझे एक डिश बनानी होगी, तो जो चीज़ें डिश के लिए रिक्वायर है तो मेरे पास पड़ी हैं। दो इधर बेरीज लगा लेता हूँ, एक मीट है। चलो भाई ये डिश बना रहा है। इस डिश का इसको भी नाम नहीं पता, पता नहीं कौन सी डिश बनेगी। चल भाई बना के दे, जो भी होगी हम खा लेंगे वैसे, क्योंकि यार HP जो है वो अभी तो सही है। मेरी 62 है अभी, तो और बढ़ानी है बिल्कुल, उसको 100 करना है, क्योंकि हम यार लकड़ियाँ काटते हैं, वो स्टोन तोड़ते हैं, तो उससे हमारी HP जो है वो लो होती है। तो अभी ये खाना बन चुका है, और ऐसे हमने पिकअप भी कर लिया, अब ऐसे ऐसे खाएंगे थोड़ी देर में, पहले काम शाम कर लें। तो वुडन फ्लोर ये बना रहा है 4, तो जो ऊपर ये लकड़ियों वाला जो रास्ता है इसे हम बिल्कुल बंद कर देंगे, ताकि इधर से कोई आ ना पाए। बाकी जो है पूरे कवर को भी हम ऊपर, घर को भी ऊपर से कवर कर लेंगे, ताकि सही हो जाए ये। तो भाई ये 8 बन गई हैं, सिंपल वुडन फ्लोर। तो भाई और मुझे क्या करना होगा, तो इनको लगा लेता हूँ मैं सबसे पहले। चलो भाई एक जो है मैं कहाँ पे, एक यहाँ पे ये सही लग रहा है, इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके अलावा एक जो है उधर लगा देता हूँ, बिल्कुल इसके सामने। तो यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे सही लग रही है वैसे। चलो भाई ये यहाँ पे लग गए, और भी हम लगाएंगे, देखते हैं। वैसे तो कहाँ पे अभी, तो भाई इधर, और जो एक छत लगा दो इसकी, तो ये छत लग गई। और उसके अलावा हम जो है, एक मैंने यहाँ से हटा ली, क्योंकि जो आने जाने का रास्ता था वो ब्लॉक हो रहा था। तो जो एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे ये सही लग रही है उस, और एक सामने इसके बिल्कुल, और एक बिल्कुल इसके सामने, और इसके भी बिल्कुल सामने। तो भाई ये काफ़ी जो है बन चुकी हैं, तो ये एक इसके भी सामने। तो अभी मेरा जो घर है वो हो चुका है कवर ज़्यादातर। चलो भाई एक इसे भी हमने यहाँ पे लगा दिया, और हम अभी जाएंगे और देखेंगे भाई नीचे। चलो भाई अभी मेरा जो घर है वो बिल्कुल सही लग रहा है। और हमें चाहिए क्या, वुडन बोर्ड हमारे पास 3 होने चाहिए, स्मॉल कैबिनेट वो एक होनी चाहिए। तो देखते हैं भाई, वुडन बोर्ड हमारे पास 3 होने चाहिए। चलो अभी 3 क्राफ्टिंग हो रहे हैं, और उसके अलावा स्मॉल कैबिनेट चाहिए, वो एक चाहिए हमें, तो वो भी देखते हैं। पहले देख लें कुकिंग में, या ये कुकिंग मशीन जो है इसे मैं ऊपर रख लूँ, क्योंकि ये मतलब जा रहा हूँ मैं बाहर, तो ये सही नहीं लग रहा है कि इधर पड़ी हो। चलो वैसे मैं ऊपर रख के आता हूँ, क्योंकि खुली हवा में हम कुक करेंगे तो सही लगेगा इसको भी, मुझे भी। चलो भाई इसे मैंने रख दिया यहाँ पे, और उसके अलावा और देखते हैं, क्राफ्टिंग शायद हो गई होगी, देखते हैं। तो ये क्राफ्ट हो गई, अभी मैंने इसे कर लिया क्लेम। और हम एक चाहिए क्या, स्मॉल कैबिनेट, तो वो भी चाहिए, देखते हैं वो भी क्राफ्ट करके। तो भाई वो मुझे फर्नीचर में मिलेगी मेरे ख्याल से, देखते हैं भाई फर्नीचर में है। तो इसके लिए क्या चाहिए, नहीं कोई जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी इसके लिए वो मेरे पास पड़ी थी, तो अभी क्राफ्टिंग हो रही है। बस एक सेकेंड, और ये हो गई क्राफ्ट, क्लेम हो गई हमारी, हो गई है अभी। तो
और इसने हमें चेक एक रैक बनाओ और एक जैकेट। तो भाई गियर वर्क स्टेशन से हमें एक जैकेट बनानी है। तो भाई ये जैकेट किस कलर में? वाइट कलर में सही लग रही है, इससे मैं बना देता हूँ। तो भाई इसके लिए एक रैग चाहिए, वो मतलब क्या है भाई, हेम्प और प्लांट रूट्स को मिला के ये एक रैग बनेगा। तो वो हमें 5 चाहिए। उसके अलावा जो सॉफ्ट एनिमल्स की मतलब वो खाल होती है ना, वो चाहिए। तो भाई मुझे अभी फॉल फॉरेस्ट में दोबारा से जाना पड़ेगा। मुझे एक मतलब जानवरों की जो है वो सफ़ेद जानवरों की खाल चाहिए। उसके अलावा हेम्प भी चाहिए और हमें प्लांट रूट भी चाहिए। वो हम दोनों को मिलाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी। तब अभी मेरे पास 3, क्योंकि उधर जो है मैंने जानवर किल किए थे, तो हमारे पास 3 पड़ी हैं, 2 और चाहिए। और जो रह गए वो हेम्प और प्लांट रूट चाहिए। तो भाई और भी मुझे मतलब जमा करनी होगी, तभी ये रैग जो है वो 5 बन पाएंगी। तो अभी यार चलना होगा हमें फिर से। तो भाई ये हमारा चौथा काम है, उसके बाद ये जो टास्क है मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो भाई अभी चलते हैं फॉल फॉरेस्ट में, क्योंकि हमें करना है सामान जमा। तो यार अभी अभी मैं आ रहा हूँ फॉल फॉरेस्ट। बीच वाला जो पार्ट था वो मैंने कट कर दिया, क्योंकि यार अब बोर ना हो जा। तो अभी मैं फॉल फॉरेस्ट मतलब जो अपने घर होम पे पहुँच चुका हूँ, और अभी मैं उधर से जो है वो सामान इकट्ठे करके लाया हूँ। तो अभी जाकर मेल बॉक्स से हम सारे सामान जो है वो निकाल लेते हैं, फिर जो हमारी जैकेट है वो हम बनाते हैं। चलो भाई अभी मैं फ़िलहाल देख के आऊँ। चलो भाई अभी हाँ मुझे पहले सामान लानी होगी वहाँ से। तो मेल बॉक्स से सबसे पहले मैं जो है वो सामान यहाँ लाऊँ, फिर जो है वो क्राफ्ट करूँगा अपनी जैकेट को। तो भाई ये आ गई कुछ वुड, स्टोन, मशरूम्स और जो है हेम्प। उसके अलावा जो चीज़ें रिक्वायर थी वो मैंने सारी मतलब जमा कर ली हैं। तो अभी बनाते हैं अपनी जैकेट को। पहले मैं रैक को जो है वो क्राफ्ट कर लूँ। तो भाई ये हो गई क्राफ्ट। तो अभी अपन चलाते हैं मतलब जैकेट को क्राफ्ट करते हैं। तो भाई ये लो फिर से यार जो है वो एनिमल की जो खाल है वो हमारे पास 5 चाहिए थी, 6 पड़ी हैं। उसके अलावा जो ये रैग है 5 चाहिए, वो हमारे पास 4 पड़े। तो अभी मुझे एक और चाहिए, एक के लिए मतलब कुछ हेम्प चाहिए और कुछ प्लांट रूट चाहिए। तो भाई हेम्प जो है मेरे पास थोड़ी 3 या 2 कम पड़ी है। तो अभी हेम्प जो है कैबिनेट में भी नहीं पड़ी, तो भाई इधर से तो मिलेंगी नहीं हेम्प। तो अभी मुझे फिर से जाना पड़ेगा फॉल फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ से ही हेम्प मिलती है। तो भाई अभी अभी मैं फॉल फॉरेस्ट से वापस आ रहा हूँ, फिर से हेम्प लेने गया था। तो भाई कुछ और चीज़ें भी लेकर आया हूँ सर्वाइव करने के लिए। तो भाई बीच वाला जो सीन है वो मैंने फिर से कट कर दिया, क्योंकि यार आप बोर ना हो जाओ और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि बस यार काट देता हूँ ये वाला सीन। तो भाई अभी जाते हैं और उठाते हैं हम अपने मेल, देखते हैं कि आया है या नहीं। तो भाई आ चुका है, कुछ बोन्स भी हैं और ये हमारे पास प्लांट्स रूट्स भी आ गए, और उधर मीट भी हम आ गए, बेरिंग्स भी आ गई। चलो भाई अब बस बन जाए, अभी कोई कुछ ना हो, ये रैग एक कर लेते हैं क्राफ्ट। चलो भाई ये भी हो गया क्राफ्ट, अभी क्लेम भी हो गया, अभी बस ये जैकेट बन जाए। चलो भाई अभी ये जो जैकेट है वो क्राफ्टिंग हो रही है, और अभी कुछ इसको सेकंड्स लगेंगे क्राफ्ट होने में। उसके बाद हम अपनी जैकेट पहनकर और एक न्यू टास्क जो है वो उठाएंगे। तो ये टास्क हम जैसे जैकेट पहनेंगे जो टास्क है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट वन था वो जैकेट था। चलो भाई अभी जो टास्क है वो हो गया कंप्लीट। अभी मुझे जो मैंने अभी जैकेट पहनी उसके मदद से मैं फॉल फॉरेस्ट पे ज़्यादा मतलब सर्वाइव कर पाऊँगा, और मुझे ठंड वंड नहीं लगेगी। जो इसकी मदद जो मेरा जिस्म भी वो मतलब गर्म रहेगा, और हमारी HP जो है वो भी मेंटेन रहेगी। चलो भाई अभी चलते हैं फॉल फॉरेस्ट में, एक और हमें टास्क लेना है, कुछ बेरीज वेरीज भी खा ली क्योंकि HP जो है मेंटेन रहे वो भी।
चलो भाई अभी चलते हैं फॉल फॉरेस्ट प्रोसीड। हाँ भाई चलो चलो बेरीज भी ले चलो। तो भाई अभी हमें मिल चुका है हमारा नेक्स्ट टास्क, तो वो जो टास्क है हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आज वाला जो टास्क था वो मैंने इस वीडियो में मतलब पूरा कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।